shit. वेलकम बैक द कुणाल ब्लॉग। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही एडवेंचर होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं बेंगल सफारी। ये रहा हमारा स्कूटी। अभी हम लोग जलपाईगुड़ी में हैं, अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। हम लोग दोनों ही हेलमेट ले लिए हैं क्योंकि सिलीगुड़ी में जाते हैं, दोनों ही हेलमेट चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं। गाइस लेपर्ड देख सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग सिलीगुड़ी पार करके सेवक रोड में हैं। अभी हम लोग जूस पीने के लिए रुके हैं ये अंकल के पास। और इतना ज्यादा सन है ना, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसलिए थोड़ा सा जूस वूस पी के उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बेंगल सफारी। ये रहा देखिए, ये रहा दरवाजा। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो गाइस ये जो चार्ट देख रहे हो ये एडवेंचर एक्टिविटीज, जिप लाइन, ब्रिज, ये सब एक्टिविटी है। ये जो है इंजॉय ऑन फूड जू, ये जू का 50 रुपीज़ चार्ज है। और ये जो है बेंगल सफारी, जो सफारी आप लोग जो टूर करेंगे उसका प्राइस है। और ये विजिटर एमिनिटीज़, मतलब सुविधाएँ, क्या क्या सुविधाएँ मिलता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, बेबी रूम, इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं ये रहा सबसे बड़ा रॉयल बेंगल टाइगर। ना बड़ा बड़ा खालो 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 मेरा हां हां खालो खालो। तो गाइस आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा कि टिकट का प्राइस कैसे है, आप लोग कैसे आ सकते हो यहां। स्कूटी के लिए 30 रुपीज़ पार्किंग चार्ज लिया है। तो हम लोग आ चुके हैं टिकट काउंटर के सामने। ये रहा टिकट काउंटर। ये रेड चार्ट है, जो कॉम्बो सफारी है वो हाफ एन आवर 200 रुपीज़ है, और जो ग्रैंड सफारी है वो 1 आवर का है, और अदर्स एक्टिविटी करने के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग ग्रैंड सफारी या कॉम्बो सफारी का टिकट परचेस करते हैं तो एंट्री जो है उसी के साथ ऐड रहता है, और उसके साथ आप लोग जो भी विजिट कर सकते हैं। और ये जो है ये जिप लाइन एक्टिविटी का है। तो गाइस ये जो सफारी है बहुत बड़ा है, और यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क भी बना हुआ है। अगर बच्चे आते हैं तो यहाँ पर एंजॉय जरूर कर सकते हैं वो लोग। और अगर आप लोग यहाँ पर आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोग मंडे को मत आना क्योंकि मंडे को ये बंद रहता है। बस स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अभी अंदर जाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं, अब थोड़ी देर में शायद बस छूटने वाला है। गर्मी बहुत है पर अंदर एसी है तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये पूरा मिरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो गाइस आप लोग अगर टिकट में टाइम और जो वैन का जो नंबर है वो उसी में लिखा रहता है, आप लोग टाइम से 10 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच जाना। तो गाइस हम लोग पहला गेट में आ चुके हैं। ये जो सफारी है ये हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस का मतलब जो जानवर सिर्फ घास पत्ती खाते हैं, और जो कार्निवोरस है वो जानवरों का मांस खाते हैं। पहला एनिमल देखने को मिल गया हम लोगों को।
पूरा फैमिली है। तो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट राइड में जा रहे हैं। ये जो है ब्लैक बियर सफारी है। गाइस लेपर्ड देख सकते हो। सीखा शांति देख ले। अब आप लोग देखने वाले हैं रॉयल बंगाल टाइगर। साइज देखो साइज देखो यार। तो गाइस अगर आप लोग कभी भी टाइगर सामने से नहीं देखे होंगे तो बहुत ही ज्यादा गुड एक्सपीरियंस होने वाला है। आप लोग यहाँ पर आके देख सकते हो। तो गाइस खत्म हम लोगों का राइड। तो गाइस राइड खत्म। अभी हम लोग जाते हैं, यहाँ पर सुने हैं कि एक जू भी है तो वो जू भी देखेंगे। और अभी मैंने वो ड्राइवर साहब से बात की है तो वो बता रहा था कि यहाँ पर क्रोकोडाइल भी है, तो चलो देखते हैं। तो बताओ राइड कैसा था? राइड बहुत 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 मजा था। आप लोग अगर आएंगे ना बहुत इंजॉय कर पाएंगे। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गया हम लोगों के साथ, जो नहीं होना था वही हो चुका है। बैग जो है वो हम लोग बसी में छोड़ चुके हैं। हाँ, मैं पहले ही बोली थी कि बैग तुम भूल जाओगे। मिल जाएगा बैग आई थिंक। हाँ वही मोटो खाली उधर। थैंक यू मोटो चालू। तो गाइस फाइनली हम लोगों को बैग मिल चुका। बैग तुम्हारा लापरवाही है। ओह मेरा लापरवाही है। वाओ। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं क्रोकोडाइल देखने के लिए। तो गाइस ये रहा, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा तो। बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण ये लोग बाहर नहीं निकल रहा है। और हम लोग एक टॉर्टोइस भी देखे हैं और पानी भी बहुत कम है यहाँ। पता नहीं क्यों ये लोग पानी नहीं दिया है, पर खाने के लिए मछली दे के रखा है। मज़े से पूरा मछली खा रहा है ये लोग। तो गाइस ये जो है मगरमच्छ है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और अगर आप लोगों में से कोई नहीं देखा होगा तो आप लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं जू देखने के लिए, जो कि इसके बगल में ही है। रास्ता देख सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जू में ना। हाँ। एडवेंचर लगे, एडवेंचर ही हो रहा है, थोड़ा उठना पड़ रहा है। तो गाइस ये रहा ये बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है लिख चुका है पता नहीं अबाइडी बॉडी, पहली बार देखने को मिल रहा है।
मुगी है, ये मुगी है ऐसे बोलते ना मुर्गा। ये है गाइस जंगली कैट, पर कहाँ है दिखने को तो मिल ही नहीं रहा जंगली बिल्ली यही है गाइस, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ देखिए चारों तरफ ही जू है, एक इधर चारों तरफ ही है। बहुत ज्यादा गर्मी है ना शायद इसलिए नहीं दिखाई देगा। मोना मंकी पढ़ाई का मोना इतनी जो है तुम्हें पसंद किया है? आज आज पत्ता खा रहा है रे, कहा कलरफुल है, पत्ता खा रहा है। तुम फोटो लेते हैं तुम्हारा, छोटा सा एक स्माइल कर दो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अरे नाम क्या है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें मोना करके बुला रही हूँ। जा रहे हो और गुस्सा आ गया, तुम गुस्सा आ गया यार क्या ना होता चल गुस्सा आ गया वो तो गाइस ये जो डियर है इसका नाम है हॉग डियर। ये रहा एक और डियर, पता नहीं दिखाई देने दे रहा है सही से। गाइस अभी हम लोगों को कंगारू मिल चुका है अभी। ये रहा गाइस कंगारू जिसके लिए इतना दूर आए। ए भाई साहब तेरा पत्ता दे भाई, बैठा है वो, सुना मेरा बात। तो वैसे देखिए कलरफुल पैरोट, साउंड कितना कर रहे हैं लोग, ऐसा भी पैरोट होता है व्हाइट कलर। इधर आके देखो क्या क्या कलर का है पैरोट, कलर का है। चल मारा है ऐसा लग रहा है गोल्डन कलर में है ना। तो गाइस हम लोगों का भी बंगाल सफारी घूमना कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और जितना हो सकते है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज्यादा सपोर्ट करना गाइस। तो मिलते हैं जल्दी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्या करना स्माइल करना